ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज की वीडियो बहुत खास है और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या शायद आप जानते होंगे। इस संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, यदि उनको हम अपने पास रखते हैं तो चमत्कारी ढंग से हमारे पास धन इकट्ठा होने लगता है। कहीं कहीं से भी, जहाँ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से भी धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। इसी विषय पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया है कि सीआर सिंगी, हत्ता जोड़ी इत्यादि जो दुर्लभ सामग्री हैं, इनके जरिए आप धन एकाग्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। और उसी विषय पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को अपने साथ रख के और ज़्यादा धन को अपनी तरफ अग्रसर कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीज़ें असली होनी चाहिए। आज के समय में नकल बहुत है। अगर नकल होगी तो परिणाम नहीं मिलेगा, यदि असली होगी, ओरिजिनल चीज़ होगी तो ही आपको परिणाम मिलेगा। आप सभी ने मोर पंख तो देखा होगा और अक्सर हम मोर पंख को अपने घर में सजा के रखते हैं। यदि आप कहीं किसी बाबा या ओझा पर जाएंगे तो उनके पास भी आपको मोर पंख मिलेंगी, जिससे कि वो झाड़ा लगाते हैं। और यदि आप श्री कृष्ण की मूर्ति देखते हैं या उनकी कोई तस्वीर देखते हैं तो उसमें भी वह मोर पंख को अपने सरोपरि यानी कि सर के ऊपर लेके रखते हैं। सबसे जो उच्च स्थान दिया है श्री कृष्ण ने, वो मोर पंख को दिया है। मोर पंख को इसलिए दिया है क्योंकि मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा का एकमात्र ऐसा स्रोत है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती रहती है। यदि आपको किसी काम में मन नहीं लगता या डर लगता है या कोई भी ऐसा काम है या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप 5 मोर पंखों को एक साथ पकड़ के अपने ऊपर झाड़े की तरह उसको लगा सकते हैं और 7 बार ऐसे लगाएं। उसके बाद एक बार लेफ्ट साइड यानी कि जो आपका लेफ्ट कंधा है उस पर लगाएं और उसके बाद जो राइट है कंधा उस पर लगाएं। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और मोर पंख जिस घर में रहते हैं वहाँ सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। मोर पंख को घर में रखने से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। यदि आप अपने साथ अपनी गाड़ी में एक मोर पंख रखते हैं तो आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट होने के खतरे 99% ख़त्म हो जाते हैं। मोर पंख एक बहुत गहरा राज है, इसके बारे में हम अभी आपको इतना नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम अभी खुद इस पर शोध कर रहे हैं। लेकिन आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है जिसके लिए हमने आपसे वीडियो बनाई है, जिसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, वो है 2 चांद वाला मोर पंख। मोर पंख तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन 2 चांद वाला मोर पंख, जो कि मोर पंख के बीच में आपने देखा होगा कभी कभी वो 2 सर्कल यानी कि 2 गोले होते हैं और वो 2 गोले चांद कहा जाता है उसे। और जिसके पास ये 2 चांद वाला मोर पंख होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत किस्मत वाला होता है और धन हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। उसको धन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धन अपने आप उसे ढूंढता हुआ कहीं से भी उसके पास आ जाता है। मान सम्मान तो मिलता ही है, उसके साथ साथ उसे बहुत कुछ मिलता है, धन मान सम्मान और 10 लोगों में अलग पहचान बनती है, बोलने की कला आ जाती है। जो श्री कृष्ण थे वो 16 कला संपूर्ण थे और उसमें से 1 कला होती है बोलने की कला। तो जिसके पास मोर पंख होता है 2 चांद वाला, उसकी बोली में मिठास अपने आप आने लगती है, या फिर यदि कोई उसकी बातें सुनेगा तो वह अपने आप उसकी बातों में रस लेने लगेगा, उसकी बातें आपके दिल में घर कर जाएंगी। यदि आपके पास 2 चांद वाला मोर पंख है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कहीं से भी ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र ज़रूर लगाएं, हल्का सा, और उसे फ्रेम करवा कर अपने घर में पूर्व की दिशा में कहीं पर रख दें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में एक ऐसा चमत्कार होगा, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आएगी आपके घर में कि आप हैरान हो जाएंगे। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे वो बात करने के लिए आपसे लाइन में खड़े होंगे, और जो लोग आपसे नाराज़गी में रहते थे या जो लोग नाराज़ थे वो खुद ब खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे या आपसे बात करने लगेंगे। बहुत बहुत गहरा राज है इस दो चांद वाली मोर पंख में। यदि इसको मैं समझाऊंगा तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। और इस मोर पंख को, दो चांद वाले मोर पंख को, यदि आपको कहीं से मौका मिले या कहीं से आपको ये ख़रीद लें आप, तो बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा असरदार होती है और ये तुरंत असर करना शुरू कर देती है। इसको फ्रेम करवा कर रखिए, पूर्व दिशा में रखिए। और ये जो मोर पंख है दो चांद वाली, ये टोने टोटके इत्यादि में भी इस्तेमाल होती है। यदि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है या किसी प्रकार का भी काला जादू कर दिया है तो आप अपने सिरहाने इस दो चांद वाले मोर पंख को रख लीजिए और सो जाइए। एक दिन में ही आपका सारा का सारा किया कराया उतर जाएगा। यदि आप सिरहाने नहीं रख सकते तो मात्र इस दो चांद वाले मोर पंख को अपने घर में रखिए और इसके आगे आप धूप दीप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जिस घर में ये रहती है वहाँ कोई भी जादू टोना असर नहीं करता, ये अत्यंत चमत्कारी है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इसके दम पर क्या कुछ हासिल नहीं किया। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था और उनको न जाने कहाँ से उनके भाग्य के अनुसार या कहीं से उन्हें दो मोर पंख और दोनों ही दो चांद वाले मोर पंख मिले। उन्होंने विधि विधान से उनको फ्रेम करवा के अपने घर में पूर्व दिशा में रखा और धीरे 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 वह बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए अपने जीवन में भी। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ वो नहीं जाते। उनके पास अतः धन आ गया है, इतना धन आ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मोर पंख पहले उनके पास दो थी, लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का पता चला, इसकी शक्ति का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने घर में और भी न जाने कहां कहां से दो चांद वाले मोर पंख मंगाए और आज उनके पास सब कुछ है। वो बहुत अच्छी एक जीवन शैली जी रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ है, उनको पूरे सुख मिल रहे हैं जीवन के। और यदि आप भी चाहते हैं तो आप कहीं से भी मंगाएं, आप दो चांद वाले मोर पंख मंगाएं। अगर आप एक भी रखते हैं तो भी आपको सकारात्मक ऊर्जा होती है, एक पंख से भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। लेकिन यदि आप दो जोड़ों में रखते हैं दो चांद वाले मोर पंख, तो इससे आपके घर में बहुत उन्नति होती है। बहुत से साधक ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ अपने रिश्तों में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सी औरतों को या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपसे संबंध इतने ख़राब हो जाते हैं कि तलाक तक बात आ जाती है। तो आपको एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी जादू टोने वाले के पास ना जाएं, किसी तांत्रिक के पास ना जाएं, मात्र दो चांद वाले मोर पंख अपने पास रखिए और उनको जहाँ रखे वहाँ अपने शादी की तस्वीर रख दीजिए अगर आपके रिश्तों में आप सुधार चाहते हैं तो। और उसके बाद देखिए अनासूत ढंग से आपके रिश्तों में सुधार आने लगेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपसे बात नहीं करते थे वो आपको बार 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 फ़ोन करके आपसे बात करना चाहेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मोर पंख रखने से, मात्र रखने भर से काम हो गया, लेकिन शर्त ये थी कि उन्होंने दो चांद वाले मोर पंख रखे थे ना कि एक। एक चांद वाला तो साधारण मोर पंख होती है, इससे आपको इतना असर नहीं होगा, लेकिन यदि आप दो चांद वाले मोर पंख रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा असर होगा। आप अपने रिश्तों में सुधार देख सकते हैं और जिसके पास ये होता है उसके चेहरे पर भी एक चमक आ जाती है। ये ऑटोमेटिक होता है, नेचुरल तरीके से होता है। जब वाइब्रेशन फ्लो करती है आपकी बॉडी में से, जब पॉजिटिव वाइब्रेशन बहने लगती है, तो वह आपके चेहरे पे अपने आप एक मुस्कान ला देगी। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा खुश होते हैं या ज़्यादा ध्यान लगाते हैं उनके चेहरे पर एक चमक होती है, एक आभा होती है। और जब आप उनके पास जाएंगे तो आपका मन करेगा कि आप इनके पास ही बैठे रहें, इनसे दूर ना जाएं। तो यदि आप ऐसा ही असर चाहते हैं, अपने अंदर भी ऐसा प्रभाव चाहते हैं, तो दो चांद वाले मोर पंख को अपने साथ अवश्य रखें अपने घर में और उसके बाद देखें परिणाम। बहुत कुछ बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दुर्लभ सामग्री को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।